Class 6 History Chapter 2 On the Trail of the Earliest People आरंभिक मानव की खोज में। अब मैं पैरा वाइज पैरा आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर ऑन द मूव, आदि मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम वो लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं। वो जिस तरीके से अपने लिए फूड लाया करते थे उसी वजह से इनका ये नाम पड़ा। क्या? हंटर गैदरर्स। ज़्यादा ये लोग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाएँ भी पकड़ा करते थे, और फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, स्टाल्क या फिर एग्स, ये सब चीज़ें भी इकट्ठा किया करते थे। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों में जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हॉट है, वहाँ भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिल जाते हैं। इसलिए उस टाइम पेड़ पौधों से मिलने वाला फूड इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स थे ये फूड के। ओके, नाउ सेकंड। लेकिन ये सब कर पाना इनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे कई जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा तेज भागते हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। किसी भी जानवर का शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए अलर्ट, फास्ट और तेज होना पड़ता है। अगर हम पेड़ पौधों से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधों को हम खा सकते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ पौधे जहरीले भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक, बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। और फल कब अच्छी तरह से पक जाते हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था सेकेंड पैरा। नाउ, ऐसे कम्युनिकेशंस में रहने वाले ऐसे ग्रुप में रहने वाले बच्चों के स्किल्स और नॉलेज के बारे में डिस्कस करें। क्या तुम में से को कई बच्चों में ऐसे स्किल्स या नॉलेज है? क्या तुम पेड़ पौधों के बारे में जानते हो? नाउ, हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? इसके पीछे चार रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, इसका पहला रीज़न ये था कि वे लोग एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहा करते थे, तो फल, फूल और जानवरों को खाकर वो ख़त्म कर देते थे। इसलिए और फूड की और भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ओके, नाउ सेकंड पैरा। दूसरा रीज़न ये है कि जानवर अपना शिकार करने के लिए या हिरन को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करते करते वे लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। नाउ थर्ड, तीसरा रीज़न ये है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग मौसम के अनुसार भी शायद अलग अलग जगहों में घूमते होंगे। और चौथा रीज़न ये है कि पानी के बिना किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी प्राणी का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, और पानी नदियों और झरनों के पास मिलता है। कुछ नदियों का पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ नदियों का पानी सूख जाता था और बारिश आने के बाद फिर आ जाता था। इसलिए ऐसी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने रिलेटिव से भी मिलने जाया करते थे, लेकिन ये याद रखना कि ये लोगों के पास कोई गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, ये लोग पैदल ही ट्रैवल किया करते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना टाइम लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? नाउ, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसे हंटर गैदरर्स बनाते थे या फिर वो यूज़ किया करते थे। ये पॉसिबल है कि अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के वेपन्स, औजार बनाते थे। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे टूल्स की एक लिस्ट बनाओ जिसमें हर तरह के टूल्स आते हैं। बताओ इनमें से कौन कौन नेचुरल पत्थरों से बने। नाउ दस पैरा, इनमें से कुछ स्टोन्स मीट और हड्डियाँ काटने के काम आते थे, तो कुछ पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल निकालने के काम आते थे। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के सपोर्ट से भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था।
ये हैं कुछ स्टोन्स। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह चूज करना। मैप को देखिए, लुक एट द मैप। वो सारी जगहें जहाँ रेड मार्क है, वहीं से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के होने का प्रूफ यानी कि एविडेंस मिला था। रेड मार्क सी। ओके, इस मार्क के अलावा भी बहुत से हंटर गैदरर्स और भी बहुत सारी जगहों में रहा करते थे जो कि इस मैप में मेंशन नहीं की गई है। मैप में कुछ गिने चुने जगह को ही मार्क किया गया है। बहुत जगह नदियों और झीलों के किनारे पाई गई है। पत्थर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, तो लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ अच्छे से अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिले हैं। यहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे और इन जगहों को स्टोन साइट्स भी कहते हैं। हमें इन फैक्ट्रियों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ज़्यादातर ऐसी जगहों पर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो वो लोग इन जगहों पर छोड़ गए होंगे, शायद इसीलिए कि वो ये अच्छे ना बने हों। औजार बनाने के बाद बचे छोटे छोटे टुकड़े भी यहाँ मिलते हैं। कभी कभी लोग यह कुछ ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहा करते थे, इसलिए ऐसी जगहों को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। साइट्स किसे कहते हैं? साइट्स उन जगहों को कहते हैं जहाँ बची हुई कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स या फिर बिल्डिंग्स। ये ज़मीन के अंदर भी मिल सकती हैं, ये ज़मीन के बाहर भी मिल सकती हैं, और कभी कभी ये समुद्र या नदी के नीचे भी पाई जाती हैं। नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स, टूल्स का निर्माण। टूल्स को जनरली दो तरीके से बनाया जाता था। पहला है पत्थरों का पत्थरों से टकराना, मतलब जिस पत्थर से कोई औजार बनाने होते थे उससे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में हथौड़ा जैसे शेप का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह पहले पत्थर को दूसरे पत्थर से घिसते रहते थे जब तक कि जो शेप बनाना चाहते हैं वो बन ना जाए। सेकेंड, दूसरे तरीके को प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें कोर को एक कांस्टेंट सरफेस में रखा जाता है और इस कोर पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़े जैसे पत्थर से मारा जाता है जिससे औजारों की शेप बन जाते हैं। ओके, नाउ फाइंडिंग अबाउट द फायर, आग की खोज। फाइंड द कुरनूल केव ऑन द मैप टू। हियर इज अ कुरनूल केव्स। ओके, यहाँ से राख मिली, कुरनूल केव से राख मिली। इसका मतलब कि अर्लीस्ट पीपल आदिमानव आग जलाना भी सीख चुके थे। आग का यूज़ कई काम के लिए किया गया होगा, जैसे लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए या फिर खतरनाक जानवरों से दूर रहने के लिए ताकि वो उनके आसपास ना आ पाए। नाउ आज हम आग का यूज़ किस लिए करते हैं? नाउ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलता इन्वायरमेंट। ओके, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के क्लाइमेट में मौसम में बड़ा चेंज आया और धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कई जगह घास वाले मैदान बनने लगे। इस वजह से जो जानवर घास खाते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, हिरन और बारहसिंगा। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे आने लगे और उन्होंने इनके खाने पीने और इनके ब्रीडिंग, मतलब इनकी नस्ल और इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हो सकता है कि उस समय लोगों के मन में इन्हें अपने साथ पालने का ख्याल भी आया हो, साथ ही लोग मछलियाँ भी अधिक मात्रा में खाने लगे। इसी टाइम कई इलाकों में गेहूं, जौ और धान भी नेचुरली उगने लगे। शायद लोगों ने अपने खाने के लिए ये बटोरना भी शुरू कर दिया होगा और शायद इन्हें उगाने का मेथड भी उन्हें पता चल चुका होगा। अब है कुछ नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टाइम के बहुत लेंदी लेंदी नाम रखे थे। ये इस टाइम को पैलियोलिथिक कहते थे, जिसका मतलब है पुराना पत्थर। पैलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर तक रहा। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर, मिडिल और अपर। जिस पीरियड में इन्वायरमेंटल चेंज आए ये पीरियड 10,000 से 12,000 ईयर तक रहा।
इससे हम मैसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन कहते हैं। इस पीरियड में काफ़ी छोटे छोटे स्टोन्स मिले जिसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं, और इसी पीरियड में टूल्स भी बनाए गए। नेक्स्ट पीरियड जो कि 10,000 ईयर पहले का था उसे न्यूलिथिक कहते हैं, जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ओके नाउ रॉक पेंटिंग व्हाट दे टेल अस, चट्टानों पर पेंटिंग और ये हमें क्या क्या बताती हैं। जिन गुफाओं में ये लोग रहा करते थे उन दीवारों पर कुछ चित्र मिलते थे। एग्जाम्पल के लिए कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाएं देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर पिक्चर जानवरों की होती है जो कि बड़े अच्छे से बनाई गई है। नाउ हु डिड व्हाट, किसने क्या करा। हमने पढ़ा कि ये लोग शिकार और फल फूल इकट्ठा किया करते थे, औजार बनाया करते थे और दीवारों पर पेंटिंग भी किया करते थे। क्या हमें ऐसे कोई प्रूफ मिले जिससे ये पता चले कि पुरुष शिकार करते थे या फिर महिलाएं पेंटिंग बनाया करती थी या पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। सच में हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर काम किया हो, या ये भी पॉसिबल है कि कुछ काम सिर्फ महिलाएं करती थी और कुछ काम सिर्फ पुरुष। इसके अलावा अलग अलग जगहों में अलग अलग परंपरा भी रही होगी। नाउ ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ऑस्ट्रिच पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पे ही मिली। ओके लार्ज क्वांटिटीज में ऑस्ट्रिच के एग हमें महाराष्ट्र में पटने में मिले। ओके खुदाई के दौरान यहाँ कुछ डिजाइन्स भी मिले पीसेस पे, जिसमें कि बीट्स भी बनी हुई थी। ओके बीट्स मीन माला के छोटे छोटे दाने। ओके अब हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक हुंसगी। ओके फाइंड हुंसगी ऑन मैप 2, हेयर इट इज। मैप में आपने देखा हुंसगी जगह को। ओके यहाँ हुंसगी में कई पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, कई पैलियोलिथिक जगहें मिली हैं। कुछ साइट्स में यूज़ में लाए जाने वाले औजार मिले थे, तो कुछ जगहों पर औजार्स बनाने के प्रूफ भी मिले थे। इनमें से कुछ जगह झरनों के बहुत पास हैं। ज़्यादातर औजार चूना और पत्थरों से बनाए जाते थे। ओके ज़्यादातर औजार चूने से या फिर पत्थरों से बनाए जाते थे। नाउ एल्सवेयर, ये पेंटिंग फ्रांस की एक गुफा की है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये पेंटिंग फ्रांस की एक गुफा की है, जिसे कई साल पहले 4 बच्चों ने खोजा था। पेंटिंग 10,000 से 20,000 साल पहले बनाई गई है। इसमें जंगली गाय, घोड़े, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों का चमकता हुआ चित्र है। मतलब बहुत सुंदर बनाई गई है पेंटिंग। ये पेंटिंग किसी फेस्टिवल या किसी ओकेजन पर ही बनाई गई होगी, और क्या पता ये भी हो सकता है कि शिकारियों द्वारा शिकार को निकलने से पहले ये पेंटिंग बनाई गई हो। और इसी पेंटिंग के साथ चैप्टर एंड। तो ये तो था आपका 2nd चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।